तेरा रब्बे काबा है। सुभान अल्लाह, सुने सुने। तेरा रब्बे काबा है, करम एक बार हो जाए। सुभान अल्लाह, तेरा करम एक बार हो जाए। الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں، دینی بھائیوں، پردہ نشین دینی ماں بہنیں، आपकी खिदमत में सूरह तहरीम की एक आयत करीमा का किस्सा पेश किए। और एक तवील हदीस शरीफ का टुकड़ा पेश किए। ये दोनों के सहारे सहारे आपसे कुछ अर्ज करना है।
फकीर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली साहब नदवी रहमतुल्लाह जिनकी नजर उम्मत के हालात पर बहुत ज्यादा गहरी थी, और वक्तन फवक्तन हालात हाजिरा से मुतालिक लोगों को मुत्तले करते रहते थे, तंबीह करते रहते थे, जगाते रहते थे। उन्होंने एक वाकया लिखा है, वाकया खाली दिलचस्पी के लिए नहीं होता, जैसे कि हजरत ने अभी फरमाया कि बयान दिलचस्पी के लिए नहीं, ये तो दर्दे दिल है जो उंडेला जा रहा है, जिसको उम्मत को लेना है। अल्लाह वालों को उम्मत का बड़ा गम रहा है, क्योंकि ये नबियों के वारिस रहे हैं। और सरकार को उम्मत का बेहद गम रहा है, जो लोग ईमान नहीं लाते थे सरकार को बड़ा गम रहता था कि दलाई पेश करता हूं, वाज़े बयानात पेश करता हूं, मैंने जिगर निकाल के रख दिया फिर भी नहीं लाते। मेरे नबी की रात की नींद उड़ जाती, बाजारों में गश्त करना, लोगों के घरों पर दस्तक देना, एक सहाबी जो फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए, इनका नाम है हकीम इब्ने हिजाम रज़ियल्लाहु ताला, बड़े जहीन और बड़े सही इंसान थे ईमान लाने से पहले। सौ गुलाम आजाद किए थे कुफर के जमाने में, सौ कादियां आजाद की थी, सौ ऊंट दिए थे, और चैरिटी के बहुत से काम किए, रिफाही काम बहुत किए। उनकी ये सब खूबियां और कमालात देखकर हुजूर को गम होता था कि अल्लाह ने जिसे इतनी समझ दी है वो दीन क्यों नहीं कबूल कर, काश कि ये मुसलमान हो जाते। लेकिन एक बात, दीन कबूल कराने में जबरदस्ती का मामला ही नहीं। दीन के कबूल करने में जबरदस्ती का मामला नहीं। قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ये दीन क्या है, डिजीज से ओपन वे, ये दीन बिल्कुल खुला हुआ और ओपन है। कम एंड
पांडर ओवर और वह करो बैन एम्प्रेस ईमान, उसके बाद ईमान कबूल कर, बसीरत के साथ कबूल करना, अंधाधुंध नहीं। इतने कमालात वाले हैं, अब ईमान लाएंगे और फिर ये कमालात जाहिर होंगे तो अजर कितना बड़ा मिले, बुजुर्ग बंद होता कि दीन तो समझदारों की चीज है, ये समझदार है और दीन समझ में नहीं आ रहा है। दीन समझदारों को अपील करता है, फिर जाकर हकीम इब्ने हिजाम ने फतह मक्का के मौके पर दीन कबूल किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खुशी मिली। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, देर समय बात समझ में। अब हकीम इब्ने हिजाम की होशियारी देखिए, उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैंने बड़े खैर के काम किए हैं, क्या इस्लाम कबूल करने की वजह से वो तमाम खैर के काम जो है उसका अजर मिले? ये मुश्किल मसला है, मतलब है। लेकिन हुजूर का जवाब सुन, सरकार ने फरमाया अस्लमता अला मा सलफक मिन खैर, ये जो तूने नेकियां और खूबी और कमालात और सखावतें जो की उसी की तो बरकत है कि अल्लाह ने दौलत ईमान से नवाजा। उम्मीद है कि तेरे आमाल का बदला भी अल्लाह का खजाना क्या कम है भाई, वो देंगे अता करें। एक नेकी पर 700 नेकियों का सवाब जो अल्लाह दे सकते हैं वो तुझे तेरी सहावत का बदला भी दे सकते। वर्ष कर रहा था कि ये जो बयान हो रहा है ये बयान दिलचस्पी के लिए नहीं है बल्कि इनमें से अच्छी बातों को चुनकर जिंदगी में उतारने के लिए। हजरत ने वाक्य लिखा, बड़ों के वाकया उनकी निगाहें उनकी बसीरतें कुछ और ही होती। हमको नजर भी नहीं आता कि अंदर से ऐसा इबरत का सामान निकल सकता है, वो निकालते हो क्योंकि दर्द भरा दिल अल्लाह ताला ने उनको दिया होता है। फरमाते हैं कि एक जगह शादी, अब जहां शादी होती है वहां खुराफात तो होती ही, और खुराफात मर्द मर्द नहीं करते औरतें करते। शादी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन मर्दों के पास नहीं होता, औरतों के पास होता। मर्दों के पास दो ही काम होते हैं, वलीमे का और शादी का, खाना खाना, निकाह में कभी मौका मिले तो शामिल होना वरना सो जाना। मर्द इतना ही काम करता है, जितने झमेले और जितनी रस्में हैं वो तमाम औरतें करती। उम्मत के इन्हिताब की दो वजह है, अगर लिखना चाहते हो तो लिखो। कौम जो जवाल की तरफ जा रही है उसमें दो चीजों का बहुत बड़ा किरदार है। नंबर एक बेअमली,
बेअमली कैसे बेफजीली ताला दावत की मेहनत मदरसों की मेहनत खानकाहों की मेहनत उलमा की मेहनत अहलुल्लाह का मुजाहदा उनकी दुआएं उसकी वजह से उम्मत का बहुत बड़ा तबका नमाज को पढ़ता है तिलावत भी करता है लेकिन भाई अखलाक गिरे हुए अखलाक में मार खाता है हालांकि सरकार दुनिया को अखलाक सिखाने के लिए तशरीफ है वरना इन्नमा बुइस्तुल तम्मिमा मकारिमल अखलाक मुझे मकारिम अखलाक की तालीम देने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है नमाज है अखलाक नहीं और अखलाक अच्छे हैं तो मामला हक तलफियां हो रही एक अल्लाह का हक अदा किया बंदों के हक भूल कर दीन हमारी जिंदगी में 100% अगर आ जाए तो कामयाबी 100% आने का अल्लाह का वादा है देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ्फा दीन में दाखिल होना है तो हर शोबा दीन का जितने शोबे 5 शोबे हैं दीन के वो दीन के 5 शोबों को अपना इबादात भी हो मामलात भी हो अखलाक भी हो माशरत भी हो सब शोबों के अंदर हमको मुकम्मल बनना है तो फिर क्या फरमाया वला तहिनु वला तहजनु وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تو پہلی چیز امت کے انحطاط کی وجوہات میں بے عملی جس پائے کا عمل چاہیے اس پائے کا عمل ہمارے پاس نہیں ہے جیسے صحابہ کرام کے پاس کتنے اونچے پائے کا عمل تھا آدھی دنیا کے اندر کامیابی کے پھریرے لے رہا ہے اور دوسرا وہ دور آیا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے پاس مال نہیں تھا آج مال آ گیا تو اسراف ہوا تھا قوم کی انحطاط کی دوسری وجہ اسراف ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں ایک منٹ رک کر ذرا اسراف کی تعریف سمجھیے اسراف کیسے کہتے ہیں ضرورت کے مقام پر 1,00,000 روپیہ خرچ کرنا اسراف نہیں اور بے ضرورت اور شرع کے خلاف 1 پائی کا خرچ کرنا اسراف اللہ چاہے راستے میں 1,00,000 روپیہ لٹانا اسراف نہیں ہے اور اللہ کی ناراضگی میں 1 روپیہ خرچ کرنا اسراف ہے شادی میں کتنا اسراف ہوتا ہے آپ سروے کیجیے کتنی چیزیں فضول ہوتی ہیں دلہن کا ڈریس کتنا مہنگا آتا ہے کتنا خرچ کیا جاتا ہے ولیمہ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں پھر تکلف اور لمبا ولیمہ کرتے ہیں صرف شہزادی کے لیے اور دکھانے کے لیے
आइए अगर हम देखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह में कैसे वलीमे किए। एक वलीमा हुजूर ने अपना ऐसा किया जिसके अंदर 3 किलो गेहूं या सत्तू वो खिलाने, हजरत आयशा के वलीमे में कुछ नहीं था, खाली दूध का प्याला था वो भी अंदर। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला के वलीमे में खजूर का हलवा खिलाया, और बड़ा वलीमा हजरत जैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह तआला का किया कि एक बकरी 10 आदमियों के लिए काफी है, लेकिन मौजूदा दाही हुआ 300 आदमियों ने एक बकरी और रोटी में से खाया है। अल्लाह फरमाते लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, आपकी यहां तो उलमा का ढेर है। मैंने हजरत मौलाना इरफान साहब से पूछा, उन्होंने कहा 500 से मुतजाविज तो उलमा है और 700 से मुतजाविज हुफाज है। अल्लाह के फजल और करम से जब हम ये आयत रात दिन पढ़ते हैं, जानते हैं, तफसीर करते हैं, तो हमारे घरों में सुन्नत के मुताबिक शादी होनी चाहिए। शादी जो है ना, इसको हमारी इस्तेला में कहते हैं बड़ी शीन शादी। हम ये नुक्ते निकाल दो तो क्या हो जाए, शादी। बस ये करना है, सिंप्लिसिटी लाओ, सादगी लाओ। अब दोस्तों पैसा बचाने का वक्त है, हालात नागुजीर है, संगीन है, एक एक पैसा बचाओ, अपने बच्चों और बच्चियों की दीनी और दुनियावी तालीम पर पैसा लगाओ। अगला दौर खतरनाक दौर है, हमारा मुल्क में रहना मुश्किल है। अगर हमारे पास एजुकेशन न रहा, हमारे पास दीनी इल्म न रहा, तो हमारा मुल्क में रहना दूबा हो जाएगा। अपने स्कूल बनाओ, अपने मदरसे बनाओ, अपना निसाब बनाओ, अपना निजाम बनाओ, और आने वाले जनरेशन को तैयार करो। और याद रखो, तुम्हें इस मुल्क को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। तुम्हारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी है, तो हम इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाए। इसी मुल्क में हमारी दूध बाश होगी। और ये बात याद रखो, हमारे आका में उलमा ने फरमाया कि हम यहां हमारे हुकूक के साथ रहेंगे, हमारी सुन्नतों के साथ रहेंगे, हमारी मस्जिदों के साथ रहेंगे, हमारे दाई के साथ रहेंगे, हमारे शिहार के साथ रहेंगे, हमारी टोपी के साथ रहेंगे, हमारी बता पता के साथ रहेंगे, हमारी मां बहने पर्दों के साथ रहेंगे। बातिल से लड़ने वाले आए आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इंतहा। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ 6 साल की उम्र, मक्की जिंदगी में अब हुआ। जब वो नाबालिग नाबालिग लड़के का नाबालिगा लड़की का निकाह होना किस हो सकता है,
लेकिन रुखसती बोल के बाद में। चुनांचे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती 9 साल की उम्र में दूसरी जवान लड़कियों जितनी उत्थान होने के बावजूद रुखसती में कितनी दिमाग प्राशी होती। कहते हैं भाई काम लाओ, औरतें जमा करो, लाओ लश्कर जमा करो और तब जाकर के रुखसती हो। अब मेरे आका की चहेती बीवी की रुखसती कैसे हुई? हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये बात कायम किया है। चंद सारी औरतों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे रुमान किया है। दिन जाओ आयशा को रुखसत करके लाओ और दिन के वक्त मेरे यहां छोड़ो। वहां सारी औरतें जब गई तो हजरत आयशा बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही। हमारे यहां दुल्हन जो है कई दिन पहले तैयार होती है, शहरों में तो ये हो गए हैं और गांव में भी ये मिजाज बने रहे। जब पैसे ज्यादा आए उसकी ये सब मुसीबत। पहले पैसे नहीं थे तो सादगी से करते थे, अब दौलत आई तो उसको लुटाना कहां, खर्च कहां करना, मंडी को नहीं देंगे, इमाम को नहीं देंगे, उसको तो बिजनेस को देंगे। और यूं पैसे लुटाएंगे, इमामों को दीजिए, बुरे मौलवी जो मदरसों में आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने की फिक्र में और जन्नती बनाने की फिक्र में लगे हैं उन पर खर्च कीजिए, इसका अजर है, इसका सवाब है। जगायत मोटवली साहब जो थे उनका बेटा ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने इमाम साहब से कहा कि आज की दुआ में मेरे बेटे के लिए दुआ दीजिए कि अल्लाह ताला गवर्नमेंट जॉब दिला दे। इमाम साहब ने दुआ की, बहुत जोर से दुआ। मोटवली साहब का बेटा ग्रेजुएट हो गया है, अल्लाह इसको गवर्नमेंट का जॉब दिला दे, लेकिन तनख्वाह मेरी जितनी होनी चाहिए। गवर्नमेंट घर कैसे चलेगा उसका, पर जैसा मेरा चलता। हमारे मौलाना अहमद अशरफ साहब एक जगह गांव में गए तो मुतवल्ली और इमाम की लड़ाई बैनुल अक्वामी है, जैसे सास बहू की लड़ाई, पूरे आलम में ये लड़ाई। और मुतवल्ली साहब ने कहा ये नमाज बराबर नहीं पढ़ाते, इमाम ने कहा ये लोग तनख्वाह बराबर नहीं।
मुदौली साहब ने कहा इनकी किरात सही नहीं। अरे भाई तू कौन सा तजवीद का बड़ा ईमान है, तेरे को क्या खबर सही तौर देगी। वहां अशर साहब ने कहा पढ़ो, मैंने पढ़ा तो सही पढ़ो। मुदौली हजरत को पूछा गया तनखा कितनी, उन्होंने मामूली तनखा बताई, हजरत ने फरमाया तनखा के हिसाब से अच्छा पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की औरतों को हजरत आयशा के घर भेजा। न कोई डोली है न कोई गाड़ी, मैं इंग्लैंड है, शादी थी, बहुत लंबी गाड़ी, अच्छी दरवाजा है। मैंने कहा ये क्या है, क्या इसका नाम लिमोजीन है? मैंने कहा इसके नंबर, मैंने कहा लिमोजीन में क्या करेंगे? तो कहा अब दुल्हा और दुल्हन एक घंटा लंदन का चक्कर काटेंगे, फिर होटल के अंदर छोड़ देगा। अच्छा मैंने कहा किराया क्या है? एक घंटे का 1,000 pounds, यानी 1,00,000 रुपया तो खाली लिमोजीन में घूमने का किराया। मेरे दोस्तों की इंसाफ, इंडिया में अगर 1,00,000 रुपया हो तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 3-4 लड़कियों की शादी उसे 1,00,000 रुपये में हो सके। शादी का मामला बिल्कुल सीधा साधा है, क्या करना क्या है। लड़की वालों को तो खिलाना नहीं, लड़की वालों के दिन में खिलाना है ही नहीं। ये जो चलता है ना रिवाज के, भाई लड़की वालों को भी खिलाना पड़ेगा, नहीं हाँ लड़की वालों के यहां मेहमान बाहर से आए हैं तो जल्दी ही बात है खिलाएंगे, लेकिन बाहर के लोगों को वो सबकी दावत देने की जरूरत नहीं है। खर्चा मीटा जो मेहमान आए हैं खिला, लड़की वालों के जिम्मे कोई खर्चा नहीं। कितना सादा, कितनी अच्छी शरीयत है। अच्छी शरीयत को हमने खराब कर दिया, फिर शरीयत को ब्लेम क्यों करते। वेरी सिंपल, बहुत सादा। निकाह गरीब से गरीब कर सकता है, मालदार से मालदार कर सकता है। आज नौजवान तय कर रहे हैं कि हम पढ़ने वाली लड़की के पास निकाह करेंगे, और लड़कियां तय कर ले कि मैं डाली वाले के साथ निकाह। तो लड़का डाली नहीं रहता। मैंने कहा डाली क्यों नहीं रखते, मैंने शादी नहीं हुई। जहां जाता हूं पहले प्रॉब्लम खड़ा करते हैं कि दाढ़ी नहीं हुई थी। सब नौजवान मिलकर तय करो कि कोई भी हमने से दाढ़ी छोड़ेगा नहीं, और जो लड़की दाढ़ी के बगैर शादी का तकादा रखे उसे मारेंगे लात और पर्दे वाली को मारेंगे। ऐसा निजात करना, ये ज्यादातर जो खराबियां फैली है ना, ये बेहयालियां जो आई है मोबाइल के जरिए से। टेलीविजन और वीसीआर वो तो भूल खा रहे हैं। कौन देखता है वीसीआर और कौन देखता है टेलीविजन? जेब में टेलीविजन है उसको बाहर जाने की जरूरत है। जितनी औरियानियत चाहिए, जितनी फिल्में चाहिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए। लोग कामयाबी बढ़ रहे हैं इसलिए कामयाबी हो जाना की तकलीफें सुन रहे हैं। हमको ये नहीं मालूम कि ये हमारा नहीं। दोस्तों मोबाइल के इस्तेमाल को लिमिटेड करो, इस पर सब आता है, अच्छा भी आता है बुरा भी आता है, लेकिन उलमा से मशवरा करो कौन सा बयान आप सुनेंगे
कौन सी बातें देखेंगे, गानों को करो डिलीट, फिल्मों को करो खत्म, और अपनी रातों को बचाओ, अपनी इबादतों को बचाओ, अपनी बुराई को बचाओ। हमको ये बंबई के रंगों की निशानी बनी, हमको तो पानी तुमने जीरा चाहिए, हमको तो अबू हुरैरा चाहिए, हमको तो अब्दुल्ला इब्ने उमर चाहिए, हमको तो अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस चाहिए, हमें तो अबू सईद खुदरी चाहिए। ये सब हमारे हीरो हैं, और सबसे बड़े हीरो हमारे जिनको देख कर हम जिंदगी गुजारेंगे वो जनाब रसूल। देखो शादी के साथ निकाह कैसे होता है गांव में जाके सीखो, अब तो वो मिसाल देने के चांस नहीं कर रहा। एक बारात दूसरे गांव जाती है तो लड़की पूरे गांव का सात मरतबा चक्कर ना काटे वहां पर बस में बैठती नहीं, फैशनेबल कपड़ा इसने बर्बाद कर रखा है, और ये फैशन है वही सारी। ये सब मुसीबतें जो है ये आपके सेलफोन की मुसीबतें हैं। जब तक इसको कंट्रोल में नहीं लाएंगे ये आपको बर्बाद करके छोड़ रहे। हजरत मौलाना मोहम्मद हुनर साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि माचिस की तीली, माचिस की सलाई अगर डेग के नीचे डाली जाए तो बिरयानी तैयार हो, इसका सही इस्तेमाल। और यही तीली उठाकर अगर पेट्रोल स्टेशन पे डाल दी जाए तो हलाकतें और तबाहियां आएंगी, यही हाल मुबारक है। एक अच्छा इस्तेमाल है, एक गलत इस्तेमाल है। बेजा इस्तेमाल आपको जहन्नम के किनारे पर पहुंचाएगा, अच्छा इस्तेमाल आपको जन्नत के करीब ले जाएगा। उनने रुमान ने सवाल किया कैसे आना हुआ, जवाब दिया नबी ने अपनी बीवी आयशा को याद किया, नबी ने याद किया मेरी बेटी तो खेल रही है बाहर आंगन में से सहेलियों के पास से बेटी को बुलाया, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है, घर में मेकअप का कोई सामान नहीं है, कर दिया एक जोड़ा पहले से संभाल के रखा था वो पहना दिया, और अल्लाह खैर पाए बकरी की दुआएं देते हुए पैदल रवाना कर दिया। हजरत आयशा जिल्ला पाला पैदल दिल में कहीं सलाम के घर तशरी दे आई। एक जोड़ा शादी में लड़की पहनती है वो इतना उसको डेंजर लगता है कि वो मरते दम पर वो जोड़ा लटकता रहता है, लेकिन पहनती थी क्या आप इनके कारण वजन 40 किलो में 60 किलो आप बहन आना उपाय
बिल्कुल पहनने की चीज, इससे तो सादे कपड़े चार पांच जोड़ दिला दो, एक लाख रुपए का जोड़ा दिलाने के बजाय मैंने जो अभी साथ
से आगे आता है कि मर्द की जिम्मेदारी है कि रिश्त के अदाल अपने बच्चों को पिलाए, पनीर और अच्छा कपड़ा पहनाए, उनकी तरबियत का परवरिश दीन का ख्याल रखे। हदीस से फरमाया 7 साल का हो जाए बच्चा नमाज की पंडी करो, 10 साल का हो जाए फरमाया नमाज की पंडी करो, ताकि पानी हो जाए इसके आवाज लाने में कोई एक नमाज भी पहुंच चुका हो। इतनी बेहतरीन तालीमात है, इतनी बेहतरीन तालीमात है कि बात की मत पूछे। जो अपना ईमान की तालीम दीन की तालीम को पढ़ेगा वो मजबूर हो जाएगा ईमान कबूल करने में। वो अपनी पुरानी बातें कि ईमान जो है वो कोई दहशतगर्दी सिखाता भूल जाएगा, इस्लाम दहशतगर्दी जिसका कोई ताल्लुक नहीं। हुजूर ने एक नजर डाली लड़की पर और फिर निगाह झुकाई, इससे ये पता चला कि हुजूर को इंटरेस्ट नहीं है। और भी साहब एहतराम बैठे हुए, फिर साहबी खड़े हुए, उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल जनाब को जरूरत नहीं है इसका, तुम उनकी तो मुझे जरूरत है, मेरा निकाह करा दीजिए। शादी तो करा दू लेकिन मार देने के लिए तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास ये पहनी हुई चादर के अलावा कुछ नहीं। अभी मौजूदा दौर में लड़के के लिए लड़की ढूंढने जाते हैं तो लड़की वाले सबसे पहले पूछते कि बैलेंस है, इससे पूछ दिमाग का बैलेंस है कि नहीं, ईमान का बैलेंस है कि नहीं, नमाज का कोई बैलेंस है कि नहीं, नमाजी है दीनदार है कितना पानी चौकड़ी से देंगे। दूसरा सवाल करते पटाई उपाय फरवा देंगे, मोबाइल की मुझे लड़की को देखने के लिए जो बुद्धियां जाती है बुद्धियां चली गई थी बिल्कुल, उनको पीछे को लेना जाने बाहर के घर को हमारी कोई जुम्मा में जाकर नमाज नहीं पढ़ने, हिंदू जुम्मा के दिन पर ऐसी नमाज पढ़ते असर पर नमाज पची जाएंगे। ये बेचारे जुम्मा भी नहीं पढ़ते इसलिए इसके नजदीक जुम्मा की नमाज बहुत पढ़ते। जरा भी दीन का पास आप हम लोग जो परेशान है होते हमने दीन को पांचवें नंबर पे कर ले जाके डाल दिए, जिसको पहले नंबर पे रखना था उसको पांचवें नंबर पे रखा है। वो कैसे जब घर में बीमार हुआ कोई तो सबसे पहले क्या करते हैं इनके दामन गोरी टिकली कहीं से गई डॉक्टर नहीं आते इनको गोरी टिकली अंदर फावर देते हैं दिन का कोई गोरी टिकली से कोई काम नहीं बनता था उनके अपना फैमिली डॉक्टर ने लोग फैमिली डॉक्टर ने भी जो है इलाज किया लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं होता। उसने कहा स्पेशलिस्ट फायदा स्पेशलिस्ट के पास गए वहां भी कुछ काम नहीं करेंगे, अपने मोटा सर्जन नहीं पाया जरूर बड़े सर्जन के पास गए उसने ऑपरेशन करा फिर भी ऐसा की वैसा ही, फिर डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन किया हमारे दिल का भी ऑपरेशन कर दिया हमारे पेट का भी ऑपरेशन कर दिया आप क्या ये तो मरीज का अच्छा होता नहीं। तो वो हिंदू डॉक्टर क्या कहते हैं हमारा तुम्हारा धर्म का होते और इसको याद आया आपने कुछ तरह मामला के बाद दुआ करवाते पहले नंबर पे गोली टिकली दूसरे नंबर पे डॉक्टर तीसरे नंबर पे स्पेशलिस्ट चौथे नंबर पर सर्जन पांचवे नंबर पर ऑपरेशन छठे नंबर के ऊपर हेलमेट यात्रा और पहली टिकली जंगली जंगलों जैसा कि अल्लाह
हाथ है ना, तेरे हाथ में है, तू जाकर मिट्टी से छिपा का फरमाए ना, छिपा देगा मेरे बच्चे को, अल्लाह छिपा दे। कितना कमजोर ईमान है ये बिहारी पर। हम लोग कहते हैं भूल ही माता है, भूल ही माता है, भूल पार्टी, कोई पार्टी तुम्हारा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर यहां 100% अगर हमारा ईमान है, लफेज है हमारा प्यारा, कोई हमारा कुछ नहीं बात होता। हकीम इस्लाम रहमतुल्लाह ने एक मिसाल देते, वॉलीबॉल या फुटबॉल के अंदर होना नहीं, जमीन पर पट हो क्या होगा, जमीन पर पड़ गए और बैठ जाएगी कुछ बोलेगी। अगर वॉलीबॉल और फुटबॉल में फुल हवा आपने भर लिया, जमीन पर पटक ले, जितना पटकेंगे इतना ऊपर चला जाएगा। इस दीन में अल्लाह ने ऐसी लचक रखी है कि अगर हमारे अंदर ईमान की हवा होगी तो इंशाअल्लाह दुनिया पटकेगी और हम ऊपर दादे मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने की, कोई घबराने की जरूरत नहीं। हालात कितने भी संगीन हो जाए मत घबराना, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह की बात पर यकीन, अल्लाह की बात पर भरोसा। अब सहाबी से हुजूर ने पूछा, उन्होंने लेकर तो एक चादर है, फरमाया कि अगर एक चादर है तो क्या करेगा उसको, आधी फाड़ के इसको दे दूंगा आधी दे रखे। हुजूर ने फरमाया इस्लाम चीजों को दाई करने नहीं दे सकता, समझ में चादर आधी हो जाएगी तो न तेरे काम की रहेगी ना बीवी के काम की रहेगी, तो दाई करना हुआ। इस्लाम एक पाई अप्लाई करेगा पसंद, अल्लाह सुबहानहू व तआला भी आस अबाउट द सिंगल पैनी यू स्पेंड, आप सिर्फ पाई अगर खर्च कर देंगे इसका सवाल अल्लाह ताला के यहां होगा, अल्लाह के यहां जवाब देना पड़ेगा, फैसला हम ले के नहीं है, अल्लाह की अमानत है। فرماتے ہیں تم مرد سلون دن تو پہلا پاپولر تو ڈسچارج ہو گئے انہوں نے فرمایا اور کچھ ہے گھوڑے کی انگوٹھی ہے گھوڑے کی انگوٹھی پہننا تو باتوں کے لیے جائز نہیں ہے लेकिन लोहे की अंगूठी बेचने उसमें से कीमत आए तो वो भवन के अंदर तू अदा कर दे, ऐसी लोहे की अंगूठी है तेरे पास, उसने वो नहीं है। अगर किसी के यहां आप लड़की लेने जाए और वो कह रहे मुझे तुम्हें तो अगर मैं पर नहीं मरे तो पानी नहीं पिएगा वापस के लिए यहां कौन है रहमत आलम है, मायूस नहीं करना चाहिए इंसानियत को, मायूस नहीं किया मेरे नबी ने, किसी को नाउम्मीद नहीं किया मेरे नबी ने। सूट तेरे पास खुल कर निकलेगा, इंसान ही ने कहा मुझे चंद सूरतें कुरान करीम की याद है और
कुरान जैसी दौलत तेरे पास है तेरा मेरे पास कमी है, जिनको अल्लाह ने इसी दौलत दी है गरीब, जिसको अल्लाह ने अड़ी का बना दिया इससे बड़ा कोई खजाना नहीं। माल दौलत क्या है आज है कल खत्म हो जाने वाली चीज है, माल नहीं है हाथ का मेल है, वो तैमूर नंद का नाम सुना होगा। तातारी बादशाहों ने एक बादशाह को बनाया है, इसका नाम तैमूर नंद, नंद लंगड़े को कहते हैं, और ये नंबर ताजिया भी इजाद क्या वो लंगड़े ने किए, इसलिए ताजिया भी लंगड़ा को एक हाजिर जवाब वजीर की जरूरत थी, सेक्रेटरी ऐसा हो जो सवाल कोई कर यू जवाब दे दे, ऐसा कोई हाजिर जवाब सेक्रेटरी चाहिए मिलता नहीं था। तो एक काफला आया बिहार से, उसके अंदर एक आदमी था नाजिन है, लोगों ने देखा तो बड़ा हाजिर जवाब है, तो कहा कि हमारे बादशाह को आप जैसे हाजिर जवाब सेक्रेटरी की जरूरत है, तो आप चलिए बादशाह के दरबार में, जो सवाल करे आप जवाब दीजिए, खुश हो जाएगा तो आपकी नौकरी लग जाएगी, लाखों रुपया महीने का मिले। मुसलमान का तो मामला ऐसा है कि अड्डे में ढूंढो तो माफी मिलेगा, खड्डे में ढूंढो माफी मिलेगा। उसको लेकर के बादशाह के दरबार में पूछा, भाई कौन है ये? तो कहिए हाजिर जवाब वजीर बनने के लायक है। क्या नाम इसका? उसका नाम दौलत खान, दौलत खान। तो बादशाह ने कहा दौलत और अंधी जो आंधी नहीं होती, जो लंगड़े को आती क्या? तो दौलत तो आनी जानी चीज है, खत्म हो जाने वाली चीज है, लेकिन दौलत है कुरान, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जिसको अल्लाह ने कुरान शरीफ की दौलत अदा फरमाई और उसने दुनिया की कई डिग्री को कुरान से बड़ा समझा, तो ये सबसे पहले कुरान की तौहीन करेगा। मक्के वाले कहते थे हमारे पास जायदाद है, हमारे पास प्रॉपर्टियां, हमारे पास माल है, हमारे पास औलाद है, मुसलमानों तुम्हारे पास क्या है? अल्लाह ने फरमाया जवाब दे दो, होती जाएंगी
तो जायदाद वालों से कह दो तुम्हारे पास माल है, तुम्हारे पास जायदाद है, हमारे पास कुरान की दौलत है। हमारे पास घबराने की कोई बात नहीं, उन्होंने कहा मेरे पास चंद सूरतें उन याद है, जबानी याद है, जिनको कुरान याद है उनको रोजाना तिलावत करना चाहिए, घर में तिलावत करने से रखवाता मंजूर होता, बरकतें होती। एक घर पर दस से इतिया बनाता है, सुबह की नमाज के बाद तिलावत शुरू करो, रोजाना एक पारा कम से कम पढ़ो। अच्छी याद है, सुन कर का बिल्कुल याद है, का एक काम करो तुम्हारा निकाह करा देता, इस नौजवान लड़की के साथ तुम्हारा निकाह इसलिए करा देता हूं कि अल्लाह ने तुझे कुरान की रोशनी से करा दिया, कुछ नहीं है तेरे पास, तेरे पास बहुत है, मेरे शर्त इतनी है कि अब तेरी बीवी को तुझे कुरान करीम पढ़ाना है और समझाना है और बीवी पर लाना है और उसके बाद जब अल्लाह तुझे पैसा दे दे तो औरत को मार दे। कुरान लिखा रहा था कि हजरत मौलाना अबू हसन अली साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी तो गरीब जो है वाकया बयान किया कि एक जगह शादी हो रही, अब शादी में जैसे मैंने कहा औरतों का निजाम होता है, एक जगह नौजवान लड़का और उसके अब्बा दोनों बनाते थे, चार महीने जाके आए तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन का अच्छा हम चढ़ा, दीन समझ में आया, फजूलियात से परहेज समझ में आया, अब जो है शादी आई जवान लड़के की एक भी लड़का तो अमीर साहब जो हालात के थे उन्होंने लेके बैठे बाप को और बेटे को और कहा कि फजूल खर्चा मत करना, सुन्नत के मुताबिक सादगी के साथ निकाह सुन्नत है तो सुन्नत के मुताबिक कर लें। घर जाके उन्होंने कहा कि हमें तो करवाए बिल्कुल सादगी नहीं आता तो सुन्नत पाना है निकाह करवा है, तो घर के औरतों ने कहा कि कौन आम जाता अमीर साहब आम जाता धंधा है प्रोग्राम थे औरत ने अपनी लड़की को कहा कि पहली झूली टोपी अपने डे रखे नहीं थे कमाई के अंदर तो नहीं आने दिखा, लड़की जाकर के ऊपर दो टोपियां ली जोड़ी फटेली टोपियां बिचारे जवान जो मस्जिद है वो प्लास्टिक की टोपियां पहन ली, तेरी जींस की पैंट 10 रुपए, इसके अंदर मोबाइल 50 रुपए और मेरे नबी ने टोपी को सराका काट कहा 10 रुपये की टोपी मेरे पास, शर्म आनी चाहिए जो मस्जिद की प्लास्टिक की, फिर भोजन इतना बनता है कि आते वक्त घर से टोपी लाया नहीं और जाते वक्त मस्जिद की फटे हुए चलने वाली टोपी लेके जा रहा है। शानदार टोपियां रखो बड़ा पता इस्लामी रखो, क्यों डरते क्यों किस बात से डरते, सम्मान नहीं देना है आपको इस चीज में, अपनी स्पेशलिटी कायम नहीं करनी है इस चीज में, सब लोग अपनी स्पेशलिटी के साथ जी रहे, कोई टीका लगा के जी रहा है, कोई कृपा लगा के जी रहा है, कोई सब पर टर्बन मान के जी रहा है, आपको क्या तकलीफ है, क्यों दूसरों की बातों में आते हो, दूसरों का तरीका क्यों इख्तियार करते हो, क्या तुम्हारे पास मनी का तरीका नहीं है, हमारी कामयाबी नबी वाले तरीके है। तो पुरानी दो टोकरियां जो है लड़की गई
फिक्र करें कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे की मौत का वक्त आएगा तो उसका ईमान सलामत होगा कि नहीं। मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, बेफिक्र है, लेकिन बच्चा मर जाएगा तो उसका आखिरत में क्या होगा। दुनिया में आपने बच्चे के लिए मकान बनाया, बना पढ़ाओ, दुकान लगाई लगाओ, काम लगाया लगाओ, बिजलियां दिलाई दिया, कोई मना नहीं करता, लेकिन सबसे पहले आखिरत की फिक्र करो। हर माँ बाप अपनी औलाद का जिम्मेदार है और उसका फ्यूचर किस तरह से उत्साह करता है और किस तरह से आखिरत बनाने की फिक्र करता है वो उसकी जिम्मेदारी है। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह तआला कुरान में फरमा दे आपके बीच में अपने आप को बचाओ, अपने ईमान की हिफाजत करो, चाहो तरफ से हवा चल रही है, अपने माशरे की सलाह करो। माशरा जब सुधरेगा, जब हम सुधर जाएंगे, हर आदमी सुधरने की फिक्र करेगा तो माशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। हम लोग इस्लाम माशरा के नाम पर दूसरों को दुरुस्त करते हैं, खुद को दुरुस्त नहीं करते। पहले अपनी फिक्र करो, अपने घर की फिक्र करो। अल्लाह फरमाते हैं अपने आप को आग से बचाओ, उसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स की जिम्मेदारी है, उनको दीन सिखाओ, उनको आग से बचाओ। फिर आ जाओ मैदान में अल्लाह के बंदों को, कुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास तामुरून बिलमारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। पूरी दुनिया को समझाना है, अल्लाह के बंदों को जन्नत में ले जाना है, खुद भी जाना है, उनको दीन की दावत भी देनी है, अपनों को भी देनी है, अभियान को भी देनी है, अख्तियार को भी देनी। ये असल में हमारे मोहतरम हिफ्जुर रहमान साहब का हुक्म है, हजरत मौलाना इरफान साहब का फोन आया कि भाई एक वादा किया गया था, उसकी कदा बाकी, तो उन्होंने सिलसिला जम्बानी पर बनाई, उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि भाई ये तारीख खरीद और इसमें जो है दिल लगा दियो। मेरी कोशिश रहती है कि जहां तक मेरे वालिद साहब के कदम पहुंचे वहां तक मैं पहुंचू, क्योंकि उनके बहुत से शागिर्द और बहुत से मुताल्लिकीन यहां मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि उनसे मेरी मुलाकात हो जाए। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब सफर में हैं, वरना मैं पहले जाकर उनकी मुलाकात कर। वो रांझे तशरीफ आए थे तो मैं सफर में था, इसलिए मुलाकात से ना होगा। इनकी दावत पर, इनके हुक्म पर हिफ्जुर रहमान मुझे लेकर आए, और वैसे भी पड़ोस का बड़ा हक होता है। उनका हक भी मुझे अदा करना, इसलिए आपकी खिदमत में चंद बातें जो है इस्लामी माशरा के अनुमान से, जिसमें कई चीजें सामने आई। एक, हमारी शादियां सादी। नंबर दो, सुस्ती और बेअमली को दाग मुफारकत दिया जाए और अमली जिंदगी इख्तियार की जाए। नंबर तीन, इसराफ और फजूल खर्चियों में अपना पैसा जाया न किया जाए। नंबर चार, हमारी ख्वातीन इस्लामी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, पर्दा और पर्दे वाली जिंदगी
जिंदगी गुजारे बेहयाली से अपने आप को बचाए, शादियों में बेहयालियां बहुत हो जाती हैं। इस्लाम हया का सबक सिखाता है। नंबर 5, मां बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की दीनी तरबियत करें। नंबर 6, अपने स्कूल बनाओ, अपना निसाब बनाओ, अपना माहौल दीनी बनाकर दुनियावी तालीम बेहतरीन दो। सुन्नतों का एहतमाम करो, पुराने करीम की तिलावत करो, नए जनरेशन को दीन की फिक्र दिलाओ और उनकी आखिरत की मां बाप जैसे फिक्र करते हैं अपनी अपनी औलाद की भी फिक्र करें। पूरे आज के 1.5 घंटे के बयान का खुलासा आपके सामने मैंने जिक्र किया। मेरे यहां बुजुर्गान दीन और उलमा मौजूद हैं। मैं अपनी बात को इसी के साथ खत्म करता हूं। वासिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم نبه قلوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم زين أخلاقنا اللهم تمم تقصيرنا اللهم حصل مرادنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹا گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ پاپی ہیں، اے اللہ گناہگار ہیں، اے اللہ خطاکار ہیں، اے اللہ سیاہکار ہیں، اے اللہ ضیاکار ہیں، اے اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے خاصگار ہیں، اے اللہ تیری مغفرتوں کے طلبگار ہیں، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، دردت کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے، اللہ تجھے بھی اگر اپنے دروازے سے نکال دیا تو اللہ محروم ہو جائیں گے، اللہ ہمیں محرومی سے بچا لیجیے، اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں نیکیوں کا ذوق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے معاشرے کو صالح معاشرہ بنا دیجیے، اے اللہ جو خرابیاں ہیں ان کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ ہماری شادیوں کے رسوم ختم فرما دیجیے، اے اللہ ہم کو دینی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما، اے اللہ سنتوں کی اتباع نصیب فرما، اے اللہ نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، دور دراز سے لوگ اللہ دین کی بات سننے کے لیے آئے، اللہ ان کا آنا قبول فرما لے، اللہ یہاں بیٹھنا منظور فرما لے، جن لوگوں نے انتظام کیا اللہ ان کے انتظام کو قبول فرما لے، یہاں کے علماء کو قبول فرما لے، اللہ ان سے کام لے۔